गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फनेला स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 9, जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। ओके बच्चों, ये कविता है, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम इसमें आए हुए नए शब्द पढ़ते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारी कविता को पढ़ने से पहले इसमें जो नए शब्द आते हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला शब्द है अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। दूसरा अजूबा। अजूबा का अर्थ होता है विचित्र। बेवसी। बेवसी का अर्थ लाचारी। भिन्न। भिन्न का अलग क्या होता है, अलग। फिर आगे है भयभीत। भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ। इशारा। इशारा का अर्थ संकेत। झटपटाना मतलब बेचैनी। निहारना। निहारना का अर्थ होता है देखते रहना। बेहतर मतलब बढ़िया। घबराना। घबराना का अर्थ होता है डरना। ओके बच्चों हमारे चैप्टर में इतने नए शब्द आए हुए हैं, आप इनको पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके चलो आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब हम बच्चों आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 68, चैप्टर 9, एक माँ की बेबसी। ओके चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र है। इसे पढ़ो और महसूस करो। इस कविता में एक रतन नाम के बच्चे के बारे में बताया गया है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की बड़ी कविता पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर भी उभर आती है। फिर आगे कहा गया है, कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उसे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब हुई। बच्चों कविता के बारे में कहा गया है कि कविता पढ़ने में ऐसा नहीं होता कि एक बार कविता पढ़ने में हमारे समझ में आ जाए। कविता को पढ़ने के लिए धीरे धीरे कविता पढ़नी चाहिए और धीरे धीरे वो हमारे समझ में आती है। कभी कभी तो कहानी बचपन की कविता पढ़ी हुई हम बड़े होकर फिर हमको समझ में आती है कि ये कविता हमने पहले बचपन में पढ़ी थी और उसका अर्थ फिर बाद में हमको समझ में आता है। चलो आगे हम कविता पढ़ते हैं, पेज नंबर 69। पहले कविता को पूरी पढ़ लेते हैं फिर बाद में वन बाई वन लाइन के अर्थ हम समझेंगे। ओके बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को न इशारों में कहीं उसकी बातों को न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की सटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसको, उसका खेलना। वह जैसे तैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेवसी। बच्चों ये कविता लिखने वाले कुंवर नारायण है। ओके चलो हम कविता का अर्थ समझते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह। एक बच्चे के लिए बोला गया है कि क्या पता किधर से, न जाने मतलब क्या पता किधर से अदृश्य है ना, जो देखा नहीं जाता वहाँ पड़ोस से वो आता था खेलने हमारे साथ। बताया गया कि एक बच्चा है जो क्या पता किधर से हमारे पड़ोस में हमारे साथ खेलने के लिए आता था। रतन, जो बोल नहीं सकता था, उस बच्चे का नाम क्या था, रतन था।
जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। वो खेलने के लिए हमारे साथ वो आता था, हमारे साथ वो खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह, टूटा हुआ खिलौना होता उस तरीके से रतन लगता था। वो देखने में हम बच्चों के, और देखने में सिर्फ वो हमारे जैसा ही था। बच्चों देखो एक बार फिर से बोलती बताती हूँ मैं, बताया गया है कि न जाने कि क्या पता वो अदृश्य हमारे पड़ोस से निकल कर आता था वो हमारे साथ खेलने के लिए। उसका नाम रतन था, जो बोल नहीं सकता था, हमारे साथ खेलता था, पर एक खिलो टूटी हुई खिलौने की तरह लगता था। वो देखने में वो हमारी तरह ही दिखता था। फिर आगे कहा गया है, वह भी एक बच्चा था, वो रतन भी एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा क्योंकि हमसे भिन्न था, पर वो बच्चों हमारे लिए तो वो बहुत स्पेशल था और एक अजूबा था क्योंकि वो सबसे भिन्न मतलब अलग था। थोड़ा घबराते भी ये हम थे, हम थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, वो थोड़ा घबरा जाते थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। उस बच्चे रतन को देखकर हम सब घबरा जाते थे क्योंकि हम उसकी घबराहट को समझ नहीं पाते थे। फिर आगे कहा गया है, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, वो रतन बोल नहीं पाता था इसलिए उसके इशारों की बातों को हम नहीं समझ पाते थे। न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटा को, और उसकी आंखों में, उसकी भयभीत आंखों में ऐसा लगता था कि उसके अंदर कुछ है, कुछ चल रहा है, मतलब वो कुछ हमें कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। जितनी देर भी वह रहता पास उस बैठी उसकी माँ, वो बच्चा हमारे साथ जितनी देर भी खेलता था उसकी माँ उसको वहाँ बैठी उसके पास में बैठी रहती थी, निहारती रहती उसका खेल। वो रतन जो खेलता रहता था तो उसकी माँ उसको देखती रहती थी, निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, और बच्चे बोल रहे कि अब धीरे धीरे हम उसकी बात को समझने लगे हैं, वो बोल नहीं पाता है पर उसके इशारों को हम समझने लगे हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ बहुत बहुत बेबसी थी, मतलब बहुत वो थी, दुखी थी अंदर से। वो अपने बच्चे के बोल नहीं पाने के कारण दुखी थी, इसलिए वो उसकी आँखें हमें बहुत याद आती है। बच्चों एक कविता है, वो रतन एक बच्चा है रतन नाम का, उसके बारे में बताया गया है कि रतन एक बच्चा है, वो खेलने के लिए बच्चों के साथ जाता है पर वो बोल नहीं पाता है, तो वो हमारे साथ खेलता भी है पर उसको देख के हम घबरा जाते थे क्योंकि उसके दिल में कुछ छटपटा थी, उसके अंदर एक छटपटा सी रहती थी। वो रतन जितनी देर भी खेलता था उसकी माँ भी उसके साथ इतनी देर तक वहाँ बैठती थी, उसको निहारती रहती थी। बच्चों आपने इस कविता को पढ़ा, एक माँ की बेबसी, इसमें रतन के लिए बताया गया है ना बच्चों। तो कविता को आप पढ़ना, और आज का हमारा होमवर्क है इस कविता को आप हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।